लीजिए, हमने ये कहा कि ए वायर है, ये वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल आई से। इस वायर में मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब इधर अब सवाल ये उठता है कि फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम अगर कोई ना, बचपन में आप सभी बच्चों ने शायद एक गेम खेला होगा कि अगर आपके पास कोई एक मैग्नेट का पीस है, मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट का एक छोटा सा पीस है, ये मैग्नेट है आपके पास, और आप क्या करें, कोई भी आयरन का, कोई भी लोहे का छोटा सा टुकड़ा लेकर आएंगे इसके आसपास, कोई छोटा सा आयरन का पीस लेकर आएंगे यार, आयरन पीस, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ये इसमें चिपक जाता है, ऐसा ही होता है, ठीक यस सर। है। तो ये जो गेम है मैग्नेट वाला, ये सभी बच्चे लगभग खेल चुके हैं। तो इसमें मैग्नेट में होता है, ये मैग्नेट जो होती है, नमस्ते सर नमस्ते। नमस्ते, जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेट अपने चारों तरफ एक ना फील्ड बना देती है। फील्ड मतलब वो एक एरिया होता है, फील्ड का मतलब हो गया एक एरिया, वो एक ऐसा एरिया होता है, उस एरिया में अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि आयरन से बना है या स्टील से बना है या कोबाल्ट से या निकल से बना हुआ है, तो अगर उस फील्ड में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है, ठीक है। अब इसमें ये कहा, सर हाँ जी बताइए। हाँ सर आप इसके नोट्स भेजोगे? नोट्स भेजूंगा, ओके। हाँ जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नोट्स भेजूंगा, अगर किसी के नहीं भेजूंगा तो मैं आपको तभी के तभी बता दूंगा कि आपको वो चीज नोट करनी है, ठीक है। ओके सर। हाँ जी चलिए, अब अगला देखते हैं हम। इसमें मैं इसमें ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा एरिया बन जाता है, ये चारों साइड एक ऐसा एरिया बन गया कि अगर इस एरिया में आप कोई भी लोहे का टुकड़ा, कोई भी आयरन पीस छोटा सा लेकर आओगे, या इस तरफ कोई आयरन पीस लाओगे, या इस तरफ इतने एरिया में, मतलब ये जो मैंने ऐसे बनाया है ना, लूप जो बनाए हैं चार, अगर इन इस एरिया के बीच में कहीं पर भी कोई लोहे का टुकड़ा है, तो ये मैग्नेट तुरंत उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और वो लोहे का टुकड़ा इस मैग्नेट में आकर चिपक जाएगा। ये चीज सब बच्चों को समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। मैग्नेट में एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो मैग्नेट जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है किसी भी आयरन के पीस को, किसी भी स्टील के पीस को, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये मैग्नेट में प्रॉपर्टी होती है। अच्छा इसके बाद देखिएगा, अब मैंने ये बोला है कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक करंट है, किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एक खास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी की कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड फिर कोई बात है, हमारे लिए ये टर्म नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैं बार 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 बताऊंगा जहां भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वही कि उसके चारों तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड जहां पर किसी भी आयरन के, स्टील के, निकल के या कोबाल्ट के, इसके मटेरियल को मैं लेकर आऊंगा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब हम कहेंगे कि मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट क्या करती है, अपने तरफ मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, स्टील, निकल। एक्सक्यूज मी सर, बताओ सर आप ये दोबारा समझा दो एक बारी।
मैं दोबारा बताता हूँ कि मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ आयरन, निकल, स्टील और कोबाल्ट उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। मैग्नेट का क्या काम होता है कि मैग्नेट के चारों तरफ, फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर पीस है, ये मान लीजिए कोई मैग्नेट का टुकड़ा है, तो मैग्नेट जो है मैग्नेट अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया डेवलप कर लेती है कि अगर उस एरिया के अंदर, उस फील्ड के अंदर, उस रीजन के अंदर आप किसी भी आयरन, स्टील, निकल या कोबाल्ट इनके किसी भी एक छोटे से पीस को लेकर आप आते हैं तो वो उस मैग्नेट में आकर चिपक जाएगा, मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये जो फील्ड बनता है मैग्नेट के चारों तरफ, इस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी तक कितना बताया? फिर उसके बाद बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मतलब होता है मैग्नेट का एक रेक्टेंगुलर बार, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर पीस होता है मैग्नेट का, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, बी ए आर, बार मैग्नेट। यस सर। अच्छा, तो बार मैग्नेट क्या होता है? अ बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन व्हिच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स नियर इट्स एंड्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट की एक खास प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में बात करी थी कि बैटरी होती है, तो बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह से जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट में जो रेक्टेंगुलर पीस है मैग्नेट का, इस मैग्नेट में दो कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और बेटा इसको बोलते हैं, दूसरे एंड को बोलते हैं साउथ पोल। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके हर्षित, समझ में आ रहा है बेटा? हर्षित ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, चलिए इसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पर दो दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वाला है जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में करा था। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करता है और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करता है। समझ में आ रहा है सभी को? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। सर हो सकता है थोड़ा आगे वो ठीक हो जाएगी अभी। ओके सर। तो इसमें ऐसा होता है कि बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैग्नेट है जिसमें इधर नॉर्थ पोल दे रखा है, इधर साउथ पोल दे रखा है, तो अगर मान लीजिए मैं एक दूसरी मैग्नेट को इसके पास लेकर आता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट को लेकर आया, उसका नॉर्थ पोल है इस तरफ और उसका साउथ पोल इस तरफ है, तो इंटर करेगी, मतलब इट विल पुश इट अवे। आपने देखा होगा मैग्नेट के अगर आपके पास दो टुकड़े होते हैं और आप उन दो टुकड़ों को, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये दो मैग्नेट के पीसेस हैं, ये दो मैग्नेट के पीसेस हैं, आप इनको दोनों को पास पास लेकर आते हो, तो मैंने बोला कि ये जहां पर कैप लगी हुई है इसको मैंने बोल दिया कि नॉर्थ पोल है और जो इसका टेल है इसको मैंने बोल दिया साउथ पोल है। इसी तरीके से इसमें भी दूसरे मार्कर में मैंने बोला कि ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब हम क्या करेंगे, नॉर्थ को नॉर्थ के नजदीक अगर हम लेकर आएंगे तो ये ऐसे 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 होने लगेगा, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ये अट्रैक्ट नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। आप लोगों ने करके देखा होगा ऐसे? यस सर। यस सर, बहुत बार है ना, तो वो ऐसे 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 होने लगता है लेकिन वो चिपकता नहीं है, बीच में आपको फोर्स भी महसूस होती है। अच्छा, तभी आपने क्या करा, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, अब आपने दोनों मैग्नेट्स को पलट दिया, अब ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, आप इसको लेकर आओगे, कोशिश करोगे लेकिन ये भी अट्रैक्ट नहीं होगा, मिलेगा नहीं है, जबरदस्ती भी आप करो तब भी नहीं होगा। फिर क्या करा, इसको ऐसे ही रहने दो लेकिन इसको ऐसे कर दो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसको लाओगे ये खट से चिपक जाएगा। इसी तरीके से आप इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो और इन दोनों को चिपकाओ, ये भी चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। एक्सक्यूज मी सर,
सर आपने मैग्नेट के राइट और लेफ्ट में भी दिखाया कि वहां भी फोर्स फील्ड होती है, बट जब एक बार मैग्नेट के हम राइट या लेफ्ट पे कोई मेटल ऑब्जेक्ट लाते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ नॉर्थ या साउथ पोल के साइड होता है। क्यों नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर, नहीं होता अट्रैक्ट। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, आप इधर भी लाओगे तो वो इधर भी अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। Just as an electric charge creates an electric field, in the same way a magnet creates a magnetic field around it. हाँ जी बताइए। सर मैग्नेट होती क्या, किस चीज से बनी होती है? मैग्नेट का होता क्या है कि मैग्नेट ना, जब मैग्नेट हम नेचुरली हमको नेचर में मिलती है, अगर हम जमीन की खुदाई करते हैं तो उसमें हमको कोई भी मैग्नेट मिलती है उसके अंदर। अब ऐसा है कि चलिए मैग्नेट तो हमको एक तरह से तो हमने देखा कि हमको नेचुरली मैग्नेट मिल गई, क्या मैग्नेट तो बनाया भी जा सकता है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ मैग्नेट को बनाया भी जा सकता है। वो बनाने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक लोहे का हार्ड टुकड़ा, हार्ड टुकड़ा मतलब क्या है कि आप उसको मतलब बड़ी मुश्किल से दबा पाएंगे, कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो एक हार्ड आयरन का पीस मैंने छोटा सा ले लिया और उसके चारों तरफ मैंने एक इलेक्ट्रिक वायर को लपेट दिया। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी डिटेल में भी बताएंगे इसको, इस चैप्टर में बाद में बताएंगे। मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है और हमने क्या करा, हमने एक वायर इस पर लपेट दिया ऐसे। और इस वायर का एक टर्मिनल लगा दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर और एक लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल पर, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमने बैटरी को ऑन करके छोड़ दिया। ठीक है, अब लगातार इसमें करंट फ्लो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। आप क्या करिए, आप लगभग आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद आप इस वायर को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, या फिर ये जो आपने वायर लपेट रखा है इसके बीच में से आप इस लोहे के टुकड़े को निकाल दीजिए। Now it has become a permanent magnet. ये permanent magnet बन जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? Yes sir. Yes sir. तो magnet बनाने का तरीका आप लोग घर में भी बना सकते हैं। Excuse me sir. हाँ जी बोलो। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर हम निडल पे सर मैग्नेट को रब करते जाए तो सर वो टेम्पररी मैग्नेट बन सकता है। निडल पर मैग्नेट को करते हैं, हाँ वो टेम्परेरी बनता है ना, हम परमानेंट की बात कर रहे हैं, है ना, परमानेंट। यस सर, मतलब आपने अब अगर इसको इसमें से निकाल दिया तो अब ये परमानेंट मैग्नेट बन गया हमेशा के लिए, इसके अंदर मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। यस सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने अपने मैग्नेट्स एक उसमें रख दिए थे एक बोल में, और सर वहां पे और भी मेटल ऑब्जेक्ट्स थे सर, वो भी एक सेफ्टी पिन थी सर, वो एक आध महीना हो गया अभी तक अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, वो हो जाता है, वो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। हाँ अनमोल बताओ। सर टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में ये होता है कि टेम्परेरी मैग्नेट थोड़ी देर तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, जबकि परमानेंट मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कभी भी टाइम के साथ खत्म नहीं होती। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर आप ये वाला एक बार फिर से समझा दो, वो जो आपने बताया बोर्ड पे बना के। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, कोई आयरन का पीस है, ठीक है, और उस आयरन के पीस पर मैंने चारों तरफ एक वायर लपेट दिया, मैंने एक इलेक्ट्रिकल वायर लपेट दिया और उसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके मैंने बैटरी को ऑन कर दिया, बैटरी का स्विच ऑन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि करंट इसमें फ्लो करने लगेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा। तो प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की कि जब किसी करंट में जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। आपने अब इस लोहे के टुकड़े पर वायर को लपेट रखा है और करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो वो मैग्नेटिक फील्ड सारा का सारा वो यहीं आसपास रहेगा, और ये आयरन का पीस जो है ये एक टाइम के बाद अगर एक घंटा डेढ़ घंटा या दो घंटे बाद आप बैटरी डिस्कनेक्ट करके इस आयरन के पीस को निकालोगे तो अब ये पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो चुका होगा, इसके अंदर मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी आ चुकी होगी,
और फिर आप इसको चाहकर भी नॉर्मल आयरन पीस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाए। तो सर ये जरूरी है कि सिर्फ आयरन के साथ ही करें, स्टील या फिर निकल के साथ भी कर सकते हैं? ये चार चीजें हैं, आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट, इनके साथ आप कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हां जी बताइए सर, इस प्रोसेस में उस मैग्नेट की एक्सटेंसिविटी कंट्रोल कर सकते हैं? दोबारा बताओ सर, हम उसकी एक्सटेंसिविटी कंट्रोल कर सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी या कितनी वीक होगी इस प्रोसेस? वो करने के लिए यहाँ पर तो मैंने एक आयरन का ना हार्ड पीस लिया था, एक ना आयरन ना सॉफ्ट आयरन कोर आता है, तो सॉफ्ट आयरन कोर लेकर और फिर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकता हूँ। तो उसमें जितना ज्यादा हम करंट देंगे मैग्नेट उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितना कम करंट देंगे मैग्नेट उतनी ही ज्यादा वीक होगी, ऐसा होता है। तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर एक और प्रश्न, मैं बनाना चाहूँ तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और कम से कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बना सकता हूँ। यस सर, एक और क्वेश्चन मैंने कहीं भी पढ़ा था कि मैग्नेट नेचुरली नहीं मिलती, वो लोडस्टोन कुछ होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? मैग्नेट नेचुरली, तो सर मैंने कहीं भी पढ़ा था कि मैग्नेट नेचुरली नहीं मिलती, उसके जगह लोडस्टोन मिलता है कुछ होता है, सर इनमें डिफरेंस क्या होता है? कि जो अर्थ है ना हमारी, अर्थ जो है अर्थ के अंदर काफी सारे मिनरल्स होते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैग्नेट नेचुरली मिलेगी, ऐसे ही हम ये कहते हैं कि आयरन भी नेचुरली मिलता है, पर फिर वही चीज है कि अगर और उसके डिटेल में जाएंगे तो हम ये देखेंगे आयरन भी नेचुरली नहीं मिलता, आयरन का ओर मिलता है और हम ओर से उसको डिराइव करते हैं। जैसे आयरन का ओर हेमेटाइट होता है, पता होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। यस सर। तो जनरली हम बोल देते हैं कि ये एक्सकेवेट करने पर हमको जमीन की खुदाई में से मिलती है ये चीजें, हम ऐसे ही जनरली बोल देते हैं इसको। पर अगर हम उसको और ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि नहीं भाई डायरेक्टली नहीं मिलता, उसका भी ओर ही मिलता है। तो बहुत बहुत सारे कम ऐसे मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स तो खैर नहीं, अगर मैं मेटल्स की बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो अपनी नेटिव फॉर्म में नहीं मिलते, वो अपने ओर की फॉर्म में ही मिलते हैं। ठीक है सर, सॉरी सर, एक और लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ बताओ बताओ सर, अर्थ के अंदर इनकी इनको इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से मिलती है, जो पीसेस होते हैं मटेरियल? ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बनने के लिए ना, इलेक्ट्रिक चार्ज बनने के लिए किसी भी चीज का मोशन में रहना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैंने एक ये मार्कर लिया और इस मार्कर को मैं ऐसे ऐसे अपने सर में मैंने रब करना शुरू कर दिया, इसको मैं करता रहा बहुत देर तक करता रहा, फिर मैं कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेकर आया और उन कागज के टुकड़ों को मैंने इस पर इसके पास लेकर गया, तो वो पीसेस ऑफ पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये हुआ कैसे, ये ऐसे हुआ कि मैंने इसको अपने सर में ऐसे ऐसे करके रब किया था, मैंने इसको थोड़ा मोशन प्रोवाइड कर दिया था। तो जो अर्थ होती है ना, अर्थ के बारे में आपने सुना होगा कि सोलर सिस्टम में अर्थ जो है वो भी सन के चारों तरफ घूमती रहती है। तो एक तो हो गया रोटेशन, कि अर्थ रोटेट तो करती ही है, लेकिन उसके अलावा आपने एक चीज और सुनी होगी कि अर्थ अपने सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती रहती है। ठीक है? यस सर, अर्थ चारों तरफ रिवॉल्व करती है, और अगर अर्थ रिवॉल्व ना करे, अगर अर्थ रिवॉल्व ना करे तो हमारी जो अर्थ है ना, मतलब ये जो दुनिया है इसमें कभी दिन और रात कभी होगी ही नहीं। ठीक है? तो ये अर्थ जो है ये रिवॉल्व करती रहती है। तो जब कोई भी चीज लगातार मोशन में होती है ना, तो वो अपने आसपास कुछ चार्जेस डेवलप कर लेती है, और उन चार्जेस की वजह से कुछ आयंस फ्लो करते हैं, उन आयंस के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म बनता है। तो इसी चैप्टर में मैं आगे डिटेल में पढ़ूंगा कि जो अर्थ है ना, अपने आप में अर्थ भी एक मैग्नेट है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, उसी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो ये चीज मैं अभी पढ़ूंगा इस चैप्टर में, पूरी बात नहीं सुनूंगी। बताइए क्या कह रहे हो, बताइए दोबारा बताओ, अर्थ समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी बताइए, अभी और कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है? बता दो सर फिर से। बेटा मैं ही कह रहा हूँ इसमें सर, फिर से बता दो, मैंने अभी ज्वाइन किया है। कोई नहीं, आप देख लीजिए, मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जो अर्थ है ना, अर्थ का ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, तो अर्थ जो है वो
अर्थ अपने सेंटर के चारों तरफ वो भी रिवॉल्व करती रहती है, मतलब हमने कहा कि अगर अर्थ की सेंट्रल एक्सिस है तो वो चारों तरफ अर्थ जो है वो भी ऐसे 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 घूमती रहती है, चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है। तो जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो किसी भी चीज के रिवॉल्व करने से होता क्या है कि किसी भी चीज के रिवॉल्व करने से ना चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमने एक ग्लास रॉड को लिया और सिल्क क्लॉथ पर मैं उसको ऐसे 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 रब करने लगता हूँ तो उस पर स्टैटिक चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो स्टैटिक चार्जेस क्यों डेवलप होते हैं? स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, ये थोड़ी देर के लिए रहेंगे, वो ज्यादा देर के लिए नहीं। ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मैंने उसको थोड़ी देर के लिए रब करा, लेकिन अगर अर्थ की बात करो तो अर्थ तो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करती रहती है ना, अर्थ कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करती रहती है। तो जब वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्यूशन होता रहता है तो इसका मतलब अर्थ के अंदर जितने भी चार्जेस घूम रहे हैं, अब चार्जेस की क्या बात करें, हम ये कहेंगे कि अर्थ जो है, अर्थ के अगर सेंटर पर देखा जाए तो लावा ही लावा होता है चारों चारों तरफ, जो अर्थ का सेंटर होता है। लावा का मतलब ये हो गया कि जैसे अर्थ है, अर्थ में जमीन है, जमीन की मैंने खुदाई करनी शुरू करी, मैंने जमीन को खुदाई में करता गया करता गया करता गया करता गया, एक लेवल के बाद पानी मिलता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि अच्छा चलो पानी मिल गया, पानी की भी अगर हम गहराई में उतरते गए उतरते गए उतरते गए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अर्थ के सेंटर पर पहुंचूंगा, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम अर्थ के सेंटर पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां पर मॉल्टन लावा होता है, पिघला हुआ लावा होता है, वो जो पिघला हुआ लावा होता है वो वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप उसकी हीट से मर जाएंगे, ठीक है। कोई मशीनरी भी नहीं पहुंच पाएगी वहां पर। तो ये एक अजम्पशन लगाया जाता है कि अर्थ का जो सेंटर है, अर्थ के सेंटर पर लावा ही लावा भरा हुआ है। तो हमने ये कहा कि वो जो लावा के पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे 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 जो पार्टिकल्स होते हैं, हमने कहा कि वो आयंस हैं और वो भी लगातार अर्थ के साथ घूम रहे हैं, तो उनकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है अर्थ में, ठीक है। अब अगर अर्थ में करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस हो रहा है, जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिज्म जरूर होगा। तो हमने ये बोला कि क्योंकि अर्थ लगातार मोशन में है, इस वजह से अर्थ में एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अब इसी तरीके से आपके दिमाग में ये आता होगा कि कोई भी चीज अगर लगातार मोशन में है तो क्या उसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है? हम ये कहेंगे हाँ हो सकता है। तो आप ये कहेंगे कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है वो भी तो लगातार मोशन में रहता है, तो क्या हार्ट की वजह से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है? तो हमारा जवाब होगा यस, हमारा हार्ट लगातार मोशन में है, और जब हार्ट लगातार मोशन में रहता है तो हार्ट पंपिंग करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर पंप आउट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर लेकर और लंग्स को दे देता है, तो लगातार ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है बॉडी में, तो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड भी छोटे 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 आयन से मिलकर बना है, तो क्या ब्लड की वजह से भी कोई करंट प्रोड्यूस होता है? हम कहेंगे यस, हमारी बॉडी में भी बहुत छोटी अमाउंट का एक करंट फ्लो करता रहता है कंटिन्यूसली, और उस अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर एक मैग्नेटिज्म भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग अभी इस चैप्टर में और भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमको ये कंसेप्ट भी पढ़ना है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो हम बोलेंगे हाँ होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है उसी कंसेप्ट को यूज करके एक आपने सुना होगा मेडिकल टर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है MRI, आपने सुना होगा ब्रेन का MRI होता है, फुल बॉडी का MRI। यस सर। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर आयंस फ्लो नहीं करेंगे, आयंस कहां पर है? ब्लड में। ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है? बिकॉज माय हार्ट इज कंटिन्यूअसली एक्टिंग लाइक अ पंप, तो पंप एक्ट कर रहा है, तो इतना मोशन है बॉडी के अंदर, उस मोशन के अंदर आप सो भी रहे हो तो भी मोशन चल रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और उस मैग्नेटिज्म को ही यूज करके मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये कंसेप्ट यूज करके बॉडी के अंदर के पार्ट्स की फोटो खींची जाती है। इमेजिंग का मतलब क्या है? इमेज कैप्चर करना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सब बच्चों को समझ में आ गया कि जहां कहीं पर भी मोशन है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, और जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर मैग्नेटिज्म, समझ गए? सर ये MRI वाला दोबारा बता दो। MRI वाला मैं डिटेल में बताऊंगा, इस चैप्टर में ही आपके है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी तो सारी चीजें मैंने शॉर्ट में बताई। यस सर। अर्थ वाला बताया है, अर्थ मैग्नेटिज्म भी इसी चैप्टर में, तो ये डिटेल में हम करेंगे इस चैप्टर में आगे। यस सर। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि हम ये कहते हैं
ये ऐसा होता है कि जब मैग्नेटिज्म बनता है ना, जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में, तो मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल तक जाती है। सर हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है और मैंने करके भी देखा है, जो परमानेंट मैग्नेट होती है ना, अगर उसको हम थोड़ा हीट करें तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है क्या कहते हैं मैग्नेट की, वो लूज करने लग जाती है। अच्छा अच्छा चलो देख कर बताऊंगा। अगर तुम्हारे पास लेकिन सर भेजना, मैं नहीं देखूंगा, खाली टाइम में बैठकर देखूंगा। अगर तुम्हारे पास भेज दूंगा उसको वीडियो का तो बता देना, नहीं तो मैं खुद देख लूंगा। और सर उसमें ऐसे भी होता है कि वो जो प्रॉपर्टी वो लूज करती है वो कुछ दिन बाद अपने आप वापस भी आ जाती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार देखूंगा, मुझे श्योरिटी नहीं है इस बारे में। ठीक है चलिए, अब हम ये कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेट के आसपास, तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। किसी भी मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और ये मैग्नेट हमारी क्या है, ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट है जिसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। तो ये क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना बेटा, वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में गई, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में गई, ऐसे यहां पर भी देखिए नॉर्थ से निकली साउथ में गई, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है। तो ये क्या होता है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है इनफाइनाइट, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ऐसे एक लूप बनाती रहती है, तो ये जो एरिया बन गया है इतना, इस एरिया को ही मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स से मिलकर पूरा बड़ा एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी होती है कि दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे गो अप टू साउथ पोल। अच्छा अब ये चीज तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। अब ये कहा गया कि नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में गई, लेकिन फिर कुछ आगे रिसर्चेस हुए और कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल पर गई, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या प्रोसेस होता है। तो एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, साइंटिस्ट का नाम था ऑर्स्टेड, ओ ई आर एस टी ई डी। तो ऑर्स्टेड ने क्या बताया कि ये जो होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल पर आकर खत्म हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी खत्म होती ही नहीं, ये नॉर्थ पोल से निकल के वापस नॉर्थ पोल पर आती है, अपना लूप कंप्लीट करती है, और इन पर रास्ते में किसी भी ऑब्स्टेकल का, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कैसे, ऑर्स्टेड ने बोला कि ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल। इसमें क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ये नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में गई, और ये साउथ पोल पर आकर खत्म नहीं हुई, ये साउथ पोल पर आकर खत्म नहीं हुई, ये साउथ पोल से फिर वापस अंदर नॉर्थ पोल तक गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर अंदर वाला जो पोर्शन है, अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा है। तो ऑर्स्टेड ने ये एक्सप्लेन करा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो होती है वो क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। क्लोज्ड कर्व्स का मतलब क्या है कि नॉर्थ से स्टार्ट होगा वो वापस नॉर्थ पर आएगा, कर्व अपना कंप्लीट करेगा। इसी तरीके से अगर नीचे की तरफ देखें तो नॉर्थ से निकला और साउथ तक तो गया, लेकिन साउथ पर आकर खत्म नहीं हुआ, इसने अपना रूप कंप्लीट करा, वापस नॉर्थ तक आ गया। तो ये बोला गया
आपको मैं नोट्स भेज दूंगा, ये बोला गया कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जैसे प्रॉपर्टी है, मैं एक मिनट नोट्स दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैंने इधर बनाकर दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फिर हम प्रॉपर्टी करेंगे तो ये तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो ये वही चीज है जो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि अगर मान लीजिए मैं मैग्नेट के अंदर की बात करता हूँ तो मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, लेकिन मैग्नेट के अंदर कहाँ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। मुझे लगता है ये हर बच्चे को समझ में आ गई होगी ये चीज। यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बताइए। सर उन्होंने ये प्रूफ कैसे करा? हाँ जी बहुत बढ़िया चीज पूछिए, मैं वही बताने वाला हूँ कि ये चीज प्रूफ कैसे करी, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके की चीज होगी कि जैसे हवा होती है, हवा को हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हवा हमको दिखाई नहीं देती। जैसे हमने बोला कि ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये दूसरी मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है। अगर मैं इन दोनों को नजदीक लेकर आता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि ये ऐसे 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 होने लगती है, लेकिन ये चिपकती नहीं है, है ना, ये ऐसे ऐसे होने लगती है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसको मैं महसूस तो करता हूँ लेकिन वो जो बीच का फोर्स है वो क्या मुझे दिखाई देता है, वो दिखाई नहीं देता। तो उन्हें मतलब लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई हम कैसे मान लें ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम तो ये कहेंगे कि ये भगवान की बनाई हुई और कोई फोर्स है, आप तो जबरदस्ती इसको मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे रहे हो, क्या होती है मैग्नेट हम नहीं जानते। तो फिर उसने कहा कि चलिए फिर ये चीज मेरे को प्रूव करनी पड़ेगी। तो उसने क्या करा, उसने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। अब उसके लिए मैं एक डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये डायग्राम ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ये चीज उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करी, कैसे ये देखते हैं। उसने क्या करा, एक ना कार्डबोर्ड ले लिया और कार्डबोर्ड को एक छोटे से टेबल पर फिक्स कर दिया। कैसे, ये लिया एक टेबल जी, कार्डबोर्ड ले लिया ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड के नीचे क्या किया गया कि इस कार्डबोर्ड के नीचे एक मैग्नेट को चिपका दिया यहां पर नीचे की तरफ, एक मैग्नेट चिपका लिया। मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है, मैग्नेट को चिपका दिया। और फिर जो एक स्प्रिंकलर होता है ना, स्प्रिंकलर जो होता है जिसके अंदर आप नमक डालते हैं, और खाने में अगर कहीं पर किसी सब्जी में नमक कम होता है तो आप उसको नमक को छिड़कते हैं। तो आपने क्या करा, एक स्प्रिंकलर ले लिया और इस स्प्रिंकलर के अंदर आयरन फिलिंग्स डाल दिया। आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का बहुत बारीक पाउडर, लोहे का बहुत बारीक पाउडर जिसको हम आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, लोहे का चूरा, वो आपने डाल दिया उसके अंदर। स्प्रिंकलर लिया आपने ऐसे, ये ऐसे उसमें छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं जैसे आयरन छिड़कने वाला होता है, तो वो आपने लिया और फिर आपने ऐसे ऐसे इस पर ये स्प्रिंकलर है और ये आपने यहां पर आयरन फिलिंग्स को डाल दिया। आयरन फिलिंग्स जब इस पर डलनी शुरू हुई तो आपने क्या करा, आपने उसको धीरे 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 हाथ से फैला दिया चारों तरफ।
या आपने हाथ से भी नहीं फड़ाया, आपने आयरन फिलिंग्स को ऐसे 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 स्प्रिंकलर से चारों तरफ आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट जब आपने कर दिया चारों तरफ, आपने उसको पूरे कार्डबोर्ड पर फैला दिया अच्छे से, इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। इतना फैलाने के बाद अब आपने बिल्कुल एक छोटा सा काम करना है। इतना फैलाने के बाद आप एक काम करेंगे कि आप इस पे अपनी उंगली लेकर, ऐसे उंगली लेकर और हल्के से ऐसे करके टैप कर देंगे, जैसे कैरम बोर्ड पर आप मारते हैं ना उंगली, आपने ऐसे लेकर उंगली ऐसे 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 आपने उंगली इस पर हल्के से स्ट्राइक कर दी, ठीक है? हल्के से आपने स्ट्राइक क्यों करी, ताकि थोड़ा सा वाइब्रेशन हो जाए। तो आपने हल्के से इस पर उंगली को ऐसे ऐसे करके आपने स्ट्राइक कर दिया, टैप कर दिया। यू हैव टू टैप इट विद योर फिंगर। आपको ऐसे टैप करना है कि हल्का सा वाइब्रेट हो जाए। तो जैसे ही ये वाइब्रेट होगा, तो ये जो ऊपर कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड पर आप क्या देखेंगे, इस कार्डबोर्ड पर ऐसा हो जाएगा कि नीचे जो मैग्नेट बनी हुई है ना, नीचे कार्डबोर्ड पर जितने हिस्से पर मैग्नेट है, वो हिस्सा तो आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा, वहां पर एक भी लोहे का चूरा नहीं होगा, जरा सा भी पीस नहीं होगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इनके जो कॉर्नर है, इस पर सारे के सारे लोहे के छोटे 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 छोटा जो टुकड़ा है वो ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे सारा का सारा ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है? अब लोहे का जो चूरा है वो तो बहुत ज्यादा है, आयरन फिलिंग्स तो बहुत ज्यादा है, आयरन का पाउडर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है? ये इस तरीके से इस पर ऐसे आकर इकट्ठा हो गया, वो तो बहुत ज्यादा। अब उसका होगा क्या, जो बाकी के पीसेस हैं, बाकी के पीसेस को आपको ऐसा 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 आपको दिखाई देगा, ऐसा 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 दिखाई देगा कि वो जो पीसेस हैं वो आपको दिखाई देंगे कि इस तरीके की शेप ले लेंगे वो पीसेस, ठीक? तो वो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि ये क्या होगा, ये चीज मैं यहाँ पर बोर्ड पर उतना फाइन तरीके से बना नहीं पाऊंगा। आपने देखिएगा कि जब मैं उसको टैप कर दूंगा, मैं ये डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये डायग्राम है। ये तो हमने जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर ये आयरन फिलिंग्स को इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया, ये दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। जैसे ही मैंने इसको टैप करा कार्डबोर्ड को, तो फिर आप देखेंगे इस तरीके का एक डायग्राम बन जाएगा, इस तरीके का आपको दिखाई देगा कि वो जो आयरन फिलिंग्स है वो ऐसे चारों तरफ फैल जाएंगी, बस ये जो बीच का पोर्शन है, बीच का पोर्शन बिल्कुल क्लीन होगा, बीच के पोर्शन में कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा बीच के पोर्शन में, जितना भी है वो सारा जो आयरन का पाउडर है वो ऐसे 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 घूम जाए, ठीक है? तो इस तरीके से हम इस चीज को डिफाइन करते हैं। फिर कुछ लोगों ने पूछा कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यही नॉर्थ पोल है और यही साउथ पोल है, ये आपको कैसे पता चला? यही नॉर्थ पोल है और यही साउथ पोल है, ये आपको कैसे पता चला? तो वो चीज हाँ जी बताइए सर, ये जो आयरन फिलिंग्स है, ये तो ये जो रेक्टेंगल है ये वो कार्डबोर्ड है ना, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर अब देखिएगा, मान लीजिए ये कार्ड है ना, आपने क्या करा, आपने एक कार्डबोर्ड को के नीचे आपने मैग्नेट को चिपका लिया, ठीक है? yes, तो जितने हिस्से में चिपकी हुई है, फिर जब मैंने ऊपर उस पर आयरन पाउडर फैला दिया था, तो ऊपर का जो हिस्सा है, उस ऊपर के हिस्से में आपको एक रेक्टेंगुलर पोर्शन ऐसा खाली दिखाई देगा कि उसमें कोई भी लोहे का चूरा नहीं होगा। तो वो जो रेक्टेंगुलर पोर्शन आपको खाली दिखाई देगा, इससे ये समझ में आ रहा है कि इतने ही हिस्से के नीचे, इतने ही हिस्से के नीचे की तरफ, पीछे की तरफ मैग्नेट चिपकी हुई है। मतलब सर वो जो ये है आयरन फिलिंग्स, ये उस कार्ड के एजेस पे नहीं है, उसके ऊपर ही है और उतनी जगह पे है जिसके नीचे मैग्नेट है, जिसके नीचे मैग्नेट है ना, जिसके नीचे मैग्नेट है उतने हिस्से में तो खाली है, उसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके आसपास चारों तरफ ऐसी शेप ले लेगी जैसे मैग्नेट का फोर्स हो। तो इस आयरन पाउडर जो फैला है ना, ये जिस डायरेक्शन में ये फैला है, उसी से समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे, समझ गए? Excuse me, sir. Yes, sir. हाँ जी बताइए सर, अगर हम मैग्नेट पे सर स्प्रिंकलर्स डालेंगे आयरन के, तो सर वो तो उसी के सरफेस पे चिपकेगा, उसके एजेस पे क्यों चिपकेगा?
बेटा आप नहीं समझ रहे हो, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। देखो क्या है, ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कार्डबोर्ड ही दिखा देता हूँ, आप ये देखिएगा, ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, ऐसा ही होता है कार्डबोर्ड, ठीक है? यस सर। हमने क्या करा, ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर वाले हिस्से पर हमने कुछ रखा ही नहीं है, ये बिल्कुल खाली है, लेकिन इसके ठीक पीछे मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट का पीस चिपका दिया। तो जितने हिस्से पर मैग्नेट का पीस मैंने चिपका रखा है, क्या वो हिस्सा मुझे ऊपर दिखाई देगा? ऊपर से मैं देख नो सर नहीं दिखाई देगा। मैं इस पर चारों तरफ पूरे पर आयरन के पीसेस फैला देता हूँ, छोटे छोटे पाउडर्ड फॉर्म आयरन का, और फिर मुझे हल्का सा इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे मुझे टैप करना है बस। जैसे ही मैं टैप करूंगा वो आयरन के पीसेस वाइब्रेट होकर अपनी अपनी पोजिशन ले लेंगे। और फॉर एग्जाम्पल इतना पोर्शन है नीचे, इतना पोर्शन जिसपे मैग्नेट चिपका हुआ है, पीछे की तरफ मैग्नेट चिपका हुआ है, तो जो ये आगे वाला पोर्शन है ना, इस आगे वाले पोर्शन पे मैग्नेट जहां पर चिपका हुआ है पीछे, उस वाले पोर्शन पर वो खाली रहेगा, वहां पर एक भी लोहे का टुकड़ा नहीं है। यस सर। इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पर मैग्नेट रखी हुई है और मैंने उस पर लोहे के पीसेस डाल दिए, ना, मैग्नेट पीछे चिपकी हुई है, मैग्नेट इधर चिपकी हुई है और मैं आयरन पीसेस इधर डाल रहा हूँ। यस सर। समझ गए? यस सर। डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि मैग्नेट नीचे चिपकी हुई है और आयरन पीसेस का ऊपर डाल रहा हूँ। यस सर। स्कूल में इसका प्रैक्टिकल होगा? हाँ, स्कूल में इसका प्रैक्टिकल होता है, तो घर पे भी कर सकते हो, बहुत आसान है। यस सर। स्कूल में कराएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि स्कूल खुलेगा कब। सवाल तो सबसे बड़ा यही है। सर ये आयरन फिलिंग्स मिलती कहाँ है? आयरन फिलिंग्स कोई भी जहाँ पर ये दरवाजे या लोहे का काम किसी भी लोहार की दुकान पर मिल जाएगी। ओके। हाँ जी, चलिए जी, अब देखिएगा, अब मैं अगली बात करता हूँ कि मुझे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पता कैसे चलता है। हमारे पास आपने सुना है मैग्नेटिक कंपास? यस सर। तो मैग्नेटिक कंपास की बात करते हैं, बस एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ। देखिए मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो ऐसा होता है, रोटिंग कंपास भी बोल देते हैं उसको, ये कुछ इस तरीके का होता है, एक सर्कुलर शेप का होता है ऐसा, मैग्नेटिक कंपास सर्कुलर शेप का होता है, और उसमें क्या होता है, जैसे वॉच होती है ना, वॉच वॉच के जैसा होता है कि बीच में सर्कुलर होता है, बीच में यहाँ पर एक पॉइंट बना होता है और उस पॉइंट पर एक नीडल जो है वो फिक्स होती है। लेकिन वॉच में क्या होता है, वॉच में तो नीडल ऐसी होती है, यहां से फिक्स है, इधर एक एरो लगा हुआ है, बस इतनी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये नीडल पीछे तक होती है, यहां तक ऐसे, और इधर इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है? मतलब एक तो ये ऊपर तो एरो बना होता है, पीछे ये इसका बेस होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि मैग्नेटिक कंपास की प्रॉपर्टी, आप उसको ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी तरीके से आप उसको घुमाइए, लेकिन उसमें एक चीज फिक्स होगी कि उसमें जो नीडल है ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती रहेगी। ये नीडल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी और ये हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा।
ये समझ में आ गया, देखा आपने? यस सर। यस सर। तो ये घरों में जैसे कभी कोई आर्किटेक्चर वर्क करवाएंगे तो जब भी किसी आप आर्किटेक्ट को बुलाएंगे तो वो आकर ना वो मैग्नेटिक कंपास से देखता जरूर है। आपने कहा कि मुझे अपने घर में जो भी रूम्स बनवाने हैं या मुझे मंदिर बनवाना है तो वो वास्तु के हिसाब से करना है, तो वो वास्तु में सबसे पहले वो डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन देखने के लिए हमको ये पता चल जाता है कि अगर इस तरफ नॉर्थ है और अगर इस तरफ नॉर्थ है, नॉर्थ का पता चल गया तो मुझे ये मालूम है कि इधर नॉर्थ है तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट बिल्कुल पीछे की तरफ साउथ होगा, और जब इधर नॉर्थ और इधर साउथ है तो राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप मैप भी देखेंगे ना तो मैप इस तरीके का होता है कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। तो अगर आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, अगर आपका आपका जो माउथ है, आपका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है तो आपकी बैक साउथ की तरफ है, और फिर आपके राइट हैंड साइड पर क्या हो गया ईस्ट, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो गया वेस्ट। समझ गए? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। यस सर। न्यूज हो गया, न्यूज। यस सर। न्यूज बन गई ना, ये तो होती है न्यूज, जो खबरें होती हैं ये चारों दिशाओं की खबरें आ गई आपके पास, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एन ई डब्ल्यू एस। ठीक, वो चीज है। चलिए जी, मालूम है कि नहीं न्यूज की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मालूम है ना सबको? हाँ सर पता है। चलिए जी, तो हम ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा कंपास होता है जिससे हमेशा ये पता चल जाता है कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में। तो अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक बार है, मैं उस मैग्नेटिक बार के पास एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास लेकर आऊंगा, उसकी नीडल अगर इस यहाँ पर आकर पॉइंट करेगी तो मैं कहूंगा ये नॉर्थ है, और अगर यहाँ पर पॉइंट करेगी तो मैं कहूंगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास से हमको पता चल जाता है। अब सवाल ये उठता है मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या है, उस चीज को अभी पढ़ूंगा मैं डिटेल में आराम से। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास ये होता है। अब इसके बाद हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और होता है, छोटा तो नहीं है, समझ लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। उसमें ये है कि कंपास की हेल्प से क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। ठीक है, इसको मैं कल कराऊंगा आपको, आज के लिए इतना ही। और मैंने अभी तक चार पेजेस कराए हैं आपको, मैं चार पेजेस की फोटोग्राफ भेज दूंगा रात को 10 बजे के बाद। सर कल टेस्ट की फोटोज भेजोगे? अब तक सर मैं इसकी फोटो भेज दूंगा रात को 10 बजे के बाद भेजूंगा आपको, क्लास जब खत्म होगी। ओके सर। सर कल टेस्ट आप भेज दो, भेजोगे? एक मिनट, हाँ वो मैं भेज दूंगा ना, कल भेज दूंगा आपको। ओके सर। सर संडे को देना है? सर टेस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सर फिर आपने कहा था आप कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराओगे? अरे नहीं नहीं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा, पहले ये चैप्टर भी कराना है मैग्नेटिक फील्ड वाला, और जितना अभी मैंने कराया मैं टेस्ट केवल एनसीईआरटी में से बना रहा हूं। ओके सर। ये मैं टेस्ट केवल एनसीईआरटी में से बना रहा हूं। सर कितने मार्क्स का? सर साइंस का मैं लूंगा टेस्ट। साइंस का भी लूंगा, इसके बाद अगला टेस्ट साइंस का लूंगा। फिलहाल ये वाला टेस्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका, कर। ठीक है, तो मैंने आपको भेज दिया जो मैंने बता रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, देख लूंगा। मुझे अनमोल मुझे व्हाट्सएप भी कर देना हो सके तो। हाँ सर एक मिनट रुक जाओ फिर। चलिए बेटा आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay.